नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर खूब चर्चा हो रही है, खास करके जब से इस कानून में संशोधन किया गया है तब से इस बात का दावा सीएम नीतीश कुमार सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि संशोधन का काफी फायदा भी मिला है। और खास करके अगर हम बात करें तो अब जो पहली सर्वे है वो पूरी की गई है और इस पहली सर्वे की जो रिपोर्ट्स है वो भी निकल कर सामने आई है। सबसे पहले हम आपको अब बताते हैं कि आखिर शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है, रिपोर्ट्स में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, कितने लोग पकड़े गए हैं और क्या कुछ जानकारी है, इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं। बता दें कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर होती रही हैं। कई मौकों पर सत्ता पक्ष की ओर से विरोधी सुर सुनाई पड़ते हैं। शराबबंदी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी कर चुका है। इसके बाद हाल में ही कानून में संशोधन किया गया। अब नीतीश सरकार के मंत्री ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार शराबबंदी कानून को लेकर एक लॉ यूनिवर्सिटी से सर्वे करा रही है। इस सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इसके मुताबिक शराबबंदी कानून का महिलाओं ने पूरा समर्थन किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई मौकों पर शराबबंदी कानून को महिलाओं का पूर्ण समर्थन होने की बात कह चुके हैं। ऐसे में बिहार सरकार में मंत्री सुनील कुमार ने यह दावा किया है कि शराबबंदी कानून में हाल में किए गए संशोधन के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रही है। ऐसे में शराबबंदी कानून में लगातार विपक्ष के द्वारा खामियां गिनाई गई है। इसके चलते प्रदेश सरकार को शराबबंदी कानून में संशोधन करना पड़ा। अब इस कानून की वजह से कोर्ट में लगातार मामले बढ़ रहे थे जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति जताई थी। इस बीच मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शराबबंदी को लेकर चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से सर्वे कराया जा रहा है। बता दें कि सुनील कुमार ने बताया है कि सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इसमें महिलाओं ने शराबबंदी कानून का पूरा समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि शराबबंदी कानून में संशोधन से कोर्ट पर पड़ रहे बोझ में भी कमी आई है। मंत्री की तरफ से दावा किया गया है कि शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद इससे जुड़े मुकदमे में 30-40% तक की कमी देखी गई है। मंत्री ने कहा है कि कानून में संशोधन करने के कई कारण थे। इसमें सबसे प्रमुख कोर्ट पर केस का बोझ कम करने के साथ ही ट्रायल पर फोकस किया जा सके। उन्होंने कहा है कि इसका सकारात्मक परिणाम जरूर आएगा। मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के सर्वे की फाइल रिपोर्ट्स मिलने के बाद अन्य पहलुओं पर भी गौर किया जाएगा। ऐसे में मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वह पिछले दिनों जहां भी गए वहां महिलाओं ने शराबबंदी कानून का समर्थन किया। शराबबंदी कानून में संशोधन के सवाल पर उन्होंने कहा है कि लोग अनुभव से ही सीखते हैं और हम लोगों का पूरा फोकस शराब माफियाओं पर है। उन्होंने कहा है कि अभी 1-2 महीना समय है, हम लोग भी आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद जानकारी साझा की जाएगी। तो बता दें कि शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद ये पहली रिपोर्ट सामने आई है जहां पे अगर हम केसेस की बात करें तो 30-40% तक केस में कमी आई है। एक तरफ जहां पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना के साथ छोड़ देने की बात इस संशोधन में कही गई है, तो वहीं ये रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद मंत्री सुनील कुमार की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि महिलाओं का पूरा समर्थन जो है वो इस शराबबंदी कानून को मिल रहा है, जिसको लेकर आगे भी अच्छी खबर शराबबंदी कानून को लेकर सामने आने की जो उम्मीद है वो सरकार की तरफ से जताई गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।